केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली में नम्मा मॉडल पर आधारित नए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन करेंगे। हालांकि शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में इन शौचालयों का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में 20 स्थानों पर बनाए गए नए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय भी शुरू हो जाएंगे। क्या है केंद्र सरकार का लक्ष्य और दिल्ली में कैसे बने हैं ये स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। दिल्ली में इस तरह के जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जितने शौचालय हैं, इसी तरह के दिल्ली में तकरीबन 20 शौचालयों का और निर्माण कराया गया है। देश भर के शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर 2019 तक 256,000 सार्वजनिक शौचालयों की सीट लगाई जानी है। इसी कड़ी में बुधवार को भी पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू दिल्ली के तीनों मेयर के साथ नम्मा मॉडल पर आधारित बनाए गए इन नए सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन करेंगे। प्रीत विहार के अलावा पूरी दिल्ली में 19 अन्य स्थानों पर भी स्थानीय निगम पार्षदों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 9, उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 4 और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 7 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC द्वारा दिल्ली नगर निगम के सहयोग से इन शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। ये स्वच्छ शौचालय तमिलनाडु के एक बेहद सफल मॉडल पर आधारित हैं जिन्हें नम्मा मॉडल कहा जाता है और नम्मा का मतलब होता है अपना शौचालय। कैमरामैन विजय चंदेल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली।